क्या हुआ? दिलीप ने तोड़ा शिवलिंग और फिर जो हुआ उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, झारखंड के एक गांव के पास जंगल था, वही जंगल से लगकर एक शिवलिंग भी स्थित था। लोगों की आस्था और विश्वास कुछ इस प्रकार का था कि उस शिवलिंग में साक्षात शिव की प्रतिमा दिख रही है। प्रातः काल से ही वहां शिव भक्तों की भीड़ लग जाती थी। आसपास के लोग शिव कीर्ति जैसे प्रसंगों का आयोजन करते थे। लोग बताते हैं कि जो लोग सच्ची श्रद्धा से जो भी मांगे उसकी हर मनोकामना पूरी होती थी, और वहां के किसान मौसम की पहली फसल शिवलिंग पर चढ़ाकर उनसे दुआ मांगकर कोई काम आरंभ करते थे। किसी का विवाह समारोह, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य क्यों ना हो, शिव मंदिर से ही उसका प्रारंभ किया जाता था। सारा गांव खुशी व श्रद्धा भाव से जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ दिन बाद ही उस गांव में रहने आ गया। उसने गांव में रहने वाले लोगों से शिव की अनेक कहानियां और चमत्कारों की इससे सुने। उसे किसी भी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। लोगों की अवस्था व श्रद्धा को अंधविश्वास का नाम दे दिया। एक दिन मध्यरात्रि के समय पर सारा गांव जब सो गया, शिवलिंग के पास एक लोहे की सरिया लेकर पहुंच गया और प्रण किया कि आज तो मैं शिवलिंग को तोड़ ही दूंगा, देखता हूँ कौन सा चमत्कार मुझे रोक देता है। सारे बल का प्रयोग कर लिया उस लोहे के सरिये से और उस शिवलिंग पर वार करता रहा एक के बाद एक। जब दूसरा प्रहार किया, आसमान में बिजली कड़की और शिवलिंग के पास एक सर्प निकल आया, जो शिवलिंग के पास अपना फन फैलाकर खड़ा हो गया। देखते ही देखते वहां कई सर्प आने लगे। सर्पों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, यह देख उसके हाथों में लोहे का सरिया छूट गया। आकाश में कड़कती बिजली उस सरिये पर आकर गिर पड़ी और फिर सरिया दो भाग में हो गया। इस सारे प्रकरण को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, वहां से भाग खड़ा हुआ। अगली सुबह गांव वालों ने सारी घटना को देखा और उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश करने आया था, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया और डर के वहां से भाग गया। सभी कहने लगे कि उन सर्पों को भेज के भगवान शिव ने स्वयं की रक्षा की थी। सभी ने हाथ जोड़कर महादेव को जय किया और उनका जयकारा लगाया, एवं लोगों की आस्था शिव जी के लिए और दृढ़ हो गई। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।